नवरात्रि पर्व का विशेष महत्व है। इस त्योहार को देश भर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इन खास दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। मंदिरों में माँ का श्रृंगार किया जाता है। जगह जगह पर एक से बढ़कर एक खूबसूरत पंडाल लगाए जाते हैं। माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापना की जाती है और इसके साथ ही कलश की स्थापना भी की जाती है। शास्त्रों के जानकार बताते हैं कि इन दिनों में जो भी माँ की पूजा आराधना करता है उनके ऊपर माँ का आशीर्वाद बना रहता है और इस दौरान माँ के पूजा से जुड़े कुछ नियमों को समझ लेना चाहिए। कहते हैं कि मन हवा से भी ज्यादा चंचल होता है। मन की एकाग्रता के लिए नवरात्रि में व्रत रखना चाहिए। इससे मन की शुद्धि हो जाती है और मन में हमेशा अच्छे विचार आते हैं। पूजा के इन दिनों में माँ का विशेष श्रृंगार करना है और पूजा सामग्री अर्पित करनी है। इन 9 दिनों में आपको रोज मंदिर जाना चाहिए। इससे माँ की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और घर परिवार का कल्याण होगा। कलश स्थापना के साथ आपको 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलाना चाहिए। कोशिश करें दीपक गाय के शुद्ध घी का हो और ये माँ की प्रतिमा के निकट हो। नवरात्रि के 8वें दिन यानी अष्टमी के दिन पूजा का विशेष महत्व होता है। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन करके उन्हें भोज कराना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन 9 वर्ष की कन्याओं में मां का वास होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।